सांग तो। रूम खाली नाही होत जी, रूम खाली होत नाही, 2 महिने फालतूचे गोष्टी करू नका तुम्ही, जास्त तेच तेच बोलणं होत नाही। नाही नाही 2 महिने रूम घर तर खराब केलं तर साफ करून देतो म्हणलं ना तुम्हाला। हो तर खराब केलं तर साफ करून देऊ तुम्हाला, घर म्हणलं ना झालं ना मग, 10 वेळा तेच ते गोष्ट करणार कसं जमणार आहे जी। कपडे का आज टाकत आहे का, 2 वर्षापासून टाकतच, 2 वर्षापासून ते टाकतच आहे ना जी कपडे। मग असं असं थोडी खाली होते जी, पहिले 2 महिने आधी नोटीस द्यायला लागते, असं कसं खाली होते घर। हो द्या ना नोटीस आम्हाला, मग करू खाली आम्ही। तुम्ही अशा तुम्ही भांडण्यासारखी गोष्ट करता नेहमी नेहमी, रोज 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 तेच तुम्ही बनणार तर कसं होणार आहे जी। अरे बाबा हो तर ते धुवूनच टाकले असते, धुतल्यावर वास कसा मारणार आहे जी। हो पण आता ते रोज म्हणतो पण वर्थ होत नाही ना तिच्या ना, आम्हाला इकडे कामाला यावं लागतं ना, आम्हीच टाकून देतो ते। कुठं दुसऱ्यालाही वास घ्यायला सांगतो कसं वास आहे ते पाहा लागेल मला, डेटाल नाही याच्यात टाकल्यावर वास कसं येत आहे। हो पण ते डेटाल नाही याच्यात बुडवून ठेवतो आम्ही रात्री, तर कसं वास येत आहे। अच्छा मन तुम फिर से जोहार दोस्तों, मैं सावित्री हूँ, सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत लंबा नहीं होगा, शॉर्ट में होगी, लेकिन सबसे पहले आपको मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ या कुछ भी अपना जो दिनचर्या के बारे में बताती हूँ कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे बीत रहा है, सबसे पहले कुछ लोग ट्रोल करने के लिए बीच में मेरे भाई को ले आते हैं। भाई ने कैसा घर में दिया, भाई से हेल्प क्यों नहीं मांगते, ये करते वो करते। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भाई बहन का जो रिश्ता है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हमेशा हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, ये बात है। और सबके लाइफ में मतलब होते रहता है ये सब चीज़, कभी ऊपर कभी नीचे, सबके लाइफ में। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती या बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं आती। आज मैं बात करूँगी हमारी सिचुएशन की। तो हमारी सिचुएशन गंभीर अभी बहुत है, और बहुत गंभीर मतलब ऐसा इंसान भगवान करे किसी को ना मिले और जो हमारे साथ बीत रहे वो किसी के साथ ना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस घर में हम लोग रहते हैं, जो हमारा मकान मालिक है, वो लोग भी अच्छे हैं, मैं किसी को कोई ख़राब नहीं बोलूँगी, लेकिन हमारे जो साथ उस मकान मालिक के घर में जो रहती है, जो कि शिक्षिका है एक, और उसके वजह से जो आज हमें मतलब इतनी छोटे, हम लोग घर में तो नहीं रहते, सुबह निकल जाते हैं खाना वाना बना के पैक करके, जबकि उनका पानी तक यूज़ नहीं करते, हम लोग यहाँ आके नहा के जाते हैं, बाथरूम हो ये सब बोलना नहीं चाहिए, बाथरूम टॉयलेट सब यहाँ पर हम लोग करके जाते हैं। मम्मी और छोटी थोड़ी सी यूज़ करती है, अब वो कितना करेगी आप लोग को पता ही है, कितना करेगी वो। और घर में जहाँ से मनमुटाव की बात है तो वो सबके घर में होते हैं, घर के किसके घर में मनमुटाव नहीं होता, वो तो हमारी अपना बात होगी, वो अलग बात है। लेकिन जो वो टीचर करिए जानबूझ के कुछ गिरा के रख दे रही है जिसमें स्मेल आए, सड़ा हुआ चीज़, वो हमने अपनी आँखों से देखा, लेकिन बात है कि वो 6-7 साल से रह रही है, उनके बच्चों को वो पढ़ा रही है, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा हट कर रहा है। के बाद हम लोग, आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो घर छोड़ क्यों नहीं देते, दूसरे किराए घर में आ जाओ ना,
वो घर छोड़ दीजिए। हमारी प्रॉब्लम यह है कि जो किराएदार घर में रहते हैं उनका कम सामान होता है। और दोस्तों हमारा क्या है, हम लोग हैं फैमिली वाले, जो हमारा खुद का घर था और वो घर में आप समझ सकते हो कि कितना सारा सामान रहता है, और सारा सामान को दूसरे घर में हम लोग शिफ्ट करेंगे, दूसरे मकान, भाड़ेदार मकान में रहेंगे, किराए मकान में रहेंगे, सारा सामान को ले जाना आना, और सिर्फ 2 महीने के लिए कितना टेंशन। और आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे पैसे दिया हुआ है, 1 महीना का एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ऊपर से हमने ये कहा कि हाँ घर गंदा है, मरीज है तो गंदा रहेगा, और हम लोग कितनों भी साफ सुथरा रहे मरीज नहीं रखेंगे। हमने कहा कि हम लोग सब साफ सफाई करके आपको देंगे, लेकिन फिर भी जो मैडम है जाके बोलती बास आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ कपड़ा मत सुखाओ, ये मत करो, वो मत करो, मतलब हर एक बात को, जो कम से कम आप मकान मालिक हो तो आपको भी समझना चाहिए कि नहीं। हम तो ऐसा कोई नहीं, 16 तारीख हमारी फिक्स है तो 16 तारीख को ही देते हैं, जगन्नाथ बाबा के दिन ही हम लोग पैसा देते हैं, एक दिन भी ऐसे वैसे ये नहीं करते। जैसे हमारी पैसा आती है उनको देते, 5,000 4,500 पहले किराया था। हम लोग जब पानी यूज़ करने लगे तो बोले कि आप लोग पानी बहुत यूज़ करते हो, फिर से 400 बढ़ाया, ऐसे करके 5,200 हम लोग बिल देते हैं महीना में, 5,200 बिल देते हैं। हम लोग यहाँ नहा रहे हैं, यहाँ कपड़ा खींच रहे हैं, यहाँ खाना बना के यहीं खाते, यहीं बर्तन धोते, बस रात में जाके खाना बनाती, सुबह बस खाना बनाती, कितना पानी यूज़ करते हम लोग। तो ऐसे भी किसी को नहीं सताना चाहिए। तो वही मैंने डिसाइड किया गणेश जी को, मैं वही तब से बोली कि घर के काम में हमारे पैसे में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, मतलब पैसा हमारा क्या बोलूँ। तो मैं वही बोली कि मेरे जितने गहने हैं पहले दुकान में जाते हैं, देखते हैं उसका कितना रेट आता है, भाव आता है, मैं दिल से बोल रही हूँ, मैंने इन्हें ये बात कहा कि जितना गहना है मेरा, मैं जितना ले के आई हूँ सब, और आप जो दिए वो सब बेचते हैं, देखते हैं कितना पैसा आ रहा है, और घर के काम में लगा दे। टेंशन नहीं, किडनी दे दे कुछ भी बोलते हो, तो मैं कह रही हूं काम को 2 महीने 2 महीना तो फिर एक आँख और फिर एक किडनी, ऐसा करके मैं सारा शरीर दे, लेकिन घर बनाओ। मैं अपनी नहीं आपकी बात, मैं भी अपनी बात कर रही हूँ। चलो तो दोस्तों वही मैं बोली, जितना है सब बेच देंगे, 2.5-2 लाख भी अगर आ जाए तो हमारे लिए वो आशीर्वाद होगा। और प्लीज बीच में दूसरे फैमिली को, भाई को मत लाइए, कैसे घर में दिया क्या, इससे मैं परेशान हूँ यार। सबका सिचुएशन होता है, सबको देख के बार बार मैं उनको जाके बोलूंगी, ऊपर नीचे होते रहता है अगला, वो उसकी भी तो सिचुएशन है ना, उसको भी तो काफी कुछ मैनेज करना है, हम हमारा मैनेज कर रहे हैं। तो ये कुछ लोग जो है ना, मतलब उसको घी डालने के लिए आगे रहते हैं, ऐसे मत कीजिए घर में, ये मत कीजिए। और बस अगर, और किसका घर में झगड़ा कलह नहीं होता है ये भी आप रखिएगा, बस हमको क्या एक ही मैंने मिशन पकड़ा है कि उसको एक प्रॉपर, जो भी हमारे साथ प्रॉपर दे देना है, उसके बाद अपना अपना रहे, अलग रहे, साथ में रहे, वो अपना ही है, लेकिन बस सबको एक प्रॉपर जगह होना चाहिए। सब अपनी अपनी फैमिली सबकी अलग अलग है। तो दोस्तों आई होप आज का ये मेरा डिसीजन पसंद आए, प्लीज हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, और न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र।